Okay. So the seventh chapter which we are going to start today is equilibrium. Equilibrium का मतलब क्या होता है? Equal. Okay. जैसे एक game होती है tug of war, पता है? Tug of war में क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं, दो teams होती हैं, right? So उसमें रस्सी खींचते हैं और center में hanky लगा देते हैं. Okay. Let's say कि इस side team A है, इस side team B है, right? अगर टीम ए ज्यादा फोर्स लगा रही है तो वो क्या करेगी? अपनी तरफ को खींचेगी और ये जो सेंटर पॉइंट है ये ज्यादा ए टीम की तरफ को चला जाएगा, राइट? अगर बी टीम ज्यादा जोर लगा रही है तो ये बी टीम की तरफ को चला जाएगा, राइट? अगर दोनों टीम्स ए और बी इक्वल जोर लगा रही है, इक्वली दोनों पुल कर रही है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये सेंटर में रहता है, ना ये ए की तरफ को जाएगा ना ये बी की तरफ को जाएगा. तो देखने में हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही जोर नहीं लगा रहे क्योंकि ये हिल ही नहीं रहा. दिस पॉइंट जब हमको लगता है कि रिएक्शन एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है उसे हम इक्विलिब्रियम बुलाते हैं. ओके, सो इक्विलिब्रियम क्या हुआ? दैट पोजिशन वेन द फोर्सेस फ्रॉम बोथ द साइड इट इज गोइंग टू बी इक्वल, उसे हम इक्विलिब्रियम. अब इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री क्योंकि हम करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज दैट पॉइंट इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. ठीक है? और in other words, equilibrium is that point when concentration of the reactants become equal to concentration of the products. When concentration of the reactants is equal to concentration of the products, ya rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, that is known as equilibrium. दो तरह के equilibrium हम लोगों ने पढ़ने हैं इसमें. One which is known as, मतलब ये वाला जो chapter है वो दो parts में divided किया गया है, एक chemical equilibrium और दूसरा ionic equilibrium. ठीक है? So पहले हम पढ़ेंगे part A of the chapter which is chemical equilibrium. Equilibrium को हम classify करते हैं into two. First which is known as physical equilibrium and second which is known as chemical equilibrium. ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने सेकेंड पार्ट पढ़ना है. अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसमें जब हम अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सारे फिजिकल प्रोसेसेस जो कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, ठीक है? सो ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस जो फिजिकल चेंजेस के बारे में हमें बताएंगे, जो इक्विलिब्रियम फिजिकल चेंजेस के दौरान एस्टैब्लिश होता है उसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं. Whereas chemical equilibrium में हम देखेंगे, we consider chemical reactions. ठीक है? So today we will study the first type of equilibrium, which is known as physical equilibrium. Thank you.
इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस Equilibrium in physical processes. There are three types of equilibriums which we are going to study under this. सबसे पहले हम पढ़ेंगे solid to liquid equilibrium. Example हम ले सकते हैं ice to water. ठीक है. अब इससे जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम क्या बुलाएंगे, मेल्टिंग, है ना. जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम बुलाते हैं मेल्टिंग, और बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या बुलाएंगे, फ्रीजिंग. सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग should be equal to rate of freezing, तभी equilibrium establish हो सकता है, right? और जो यहां पे एक specific temperature जिसे हम लोग calculate करते हैं या monitor करते हैं उसे हम बुलाते हैं melting point, right? अब melting point क्या हुआ, लिखो, मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट coexist. That temperature at which both solid and liquid state coexist, उसे हम melting point बुलाते हैं. अब हम इस पे physical processes में एक और चीज notice करते हैं कि जो state variables होंगे, कोई भी एक state variable physical process में constant हो जाता है. क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, पिछले चैप्टर में पढ़े हमने, डिपेंडेंस वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है. स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, जो एक स्टेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं उसे हम स्टेट वेरिएबल्स बुलाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, that temperature at which both solid and liquid state coexist. So melting point attain करने के लिए एक कोई भी state variable constant होना चाहिए, और वो जो state variable यहाँ पे constant होगा in this equilibrium, that is pressure, right? So pressure over here, that is going to be constant. ठीक है. व्हाट आर वी सेइंग, दैट प्रेशर इन दिस केस सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच वी आर गोइंग टू डू दैट इज लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, राइट. अब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, water in the liquid state when heated turns into vapor, और जब cool करते हैं हम इसको तो ये वापस liquid state में आ जाता है. Okay, अब जो forward reaction उसपे होगी जब liquid gaseous state में change होता है उसे क्या बुलाते हैं, evaporation, और जो वापस होगी condensation. So equilibrium पे क्या होगा, rate of evaporation is going to be
rate of evaporation is equal to rate of condensation. Okay. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग मॉनिटर करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट. क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. This is the boiling point. Okay. और जो प्रॉपर्टी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी वो कौन सी होगी? टेम्परेचर. क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, सो स्टेट वेरिएबल जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. ठीक है, क्लियर हो गया. दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. द थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विच वी आर गोइंग टू डू, that is solid gas equilibrium. Solid gas equilibrium. Example क्या ले सकते हैं solid gas equilibrium में? Greenhouse और camphor. Camphor और iodine और ammonium chloride. There are various examples. ठीक है? So iodine in the solid form to iodine in the gaseous form. ठीक है? उसी तरह से आप अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, आप कैम्फर भी ले सकते हो, नैप्थलीन भी ले सकते हो, कुछ भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो. सो सॉलिड टू गैस इक्विलिब्रियम. अगेन इसमें जब वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? सब्लिमेशन. हाँ, प्रोसेस तो सब्लिमेशन है पर इवेपोरेशन ही हो गई. सॉलिड से वो सीधा गैसियस स्टेट में जा रहा है तो इवेपोरेशन हो जाएगी. तो हम क्या बोलते हैं? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ मैम. अगर हम कपूर के एग्जांपल दे तो वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा? फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वो, अगर आप क्लोज सिस्टम लेना पड़ता है ना उसके लिए. सब्लिमेशन वाला प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं? ये एक हमने बीकर ले लिया, उसमें वाटर ले लिया, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, और इस वाटर के ऊपर हम एक चाइना डिश या क्रूसिबल रख देते हैं जिसके अंदर हमने आयोडीन या कपूर या जो भी आप बोल रहे हो वो लिया है हमने, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं और इस इन्वर्टेड फनल को हम कॉटन प्लग के साथ बंद कर देंगे ताकि जो वेपर्स इसमें से निकले वो बाहर ना उड़े. अभी हम पढ़ेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम देखेंगे कि इसको हम सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, ओपन सिस्टम में हम अटेन नहीं कर सकते. तो अब होगा क्या कि जब ये पानी गर्म होगा ये मेल्ट होगा, ये मेल्ट होगा तो ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाएगा.
जब वो गैशियस फॉर्म में जाएगा तो यहां से हिट करके और बॉल्स के साथ हिट करके कंडेंस हो जाता है जब ये कंडेंस होता है तो इसकी जो फनल की ब्रिंक है इस पे ये कूल होके सॉलिड बन जाता है सॉलिडिफाई हो जाता है ठीक है सो जितना कैम्फर इवेपोरेट हो रहा है जब उतना ही कैम्फर वापस सॉलिडिफाई होने लग जाए तो उसे हम क्या बुलाते हैं इक्विलिब्रियम जितना वो इवेपोरेट हो रहा है उतना ही सॉलिडिफाई हो जाए तो उसे हम क्या बुलाएंगे इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं कैन ओनली बी अटेन्ड इन केस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम ठीक है सो दिस इज आवर सब्लिमेशन अब जब हम सब्लिमेशन लेते हैं तो सब्लिमेशन में कौन सी स्टेट वेरिएबल जो है वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी वॉल्यूम बताओ वॉल्यूम कैसे होगी कांस्टेंट लिक्विड वेपर में टेम्परेचर कांस्टेंट सॉलिड लिक्विड में प्रेशर कांस्टेंट और गैस उसमें क्या आएगा अगेन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट क्योंकि बॉइल हो रहा है ना अल्टीमेटली तो यहां पे भी टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ठीक है इज इट क्लियर ओके फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज नोन एज व्हाट इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स Involving dissolution of solids. Dissolution का मतलब क्या हो रहा है? जैसे हमने sugar लिया है, sugar हम bottle के अंदर dissolve कर रहे हैं, तो that process is known as dissolution. या हम salt ले रहे हैं, उसको हम bottle के अंदर dissolve कर रहे हैं, तो process is known as what? Dissolution. Solubility of any solid in a liquid, उस process को हम क्या बुलाते हैं? Dissolution. ठीक है? अब जब हम dissolution देखते हैं, dissolution का process देखते हैं, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं NaCl इन द सॉलिड स्टेट प्लस वाटर NaCl इन द एक्वस स्टेट एक्वस का मतलब होता है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है ठीक है सो हम डिसोल्यूशन प्रोसेस को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं अब क्या होगा कि अगर जैसे आपने शुगर डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर ओके जब आप उसको बहुत सारे दिनों के लिए रखते रहोगे तो क्या होगा वाटर उसमें से इवेपोरेट करेगा और जो शुगर है वो वापस बच जाएगी तो जो वो शुगर वापस बच रही है उसको हम प्रोसेस को क्या बुलाते हैं क्रिस्टलाइजेशन तो फॉरवर्ड जो प्रोसेस उसमें होगा उसे हम बुलाते हैं डिसोल्यूशन और जो बैकवर्ड प्रोसेस होगा उसे हम क्या बुला रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन तो इक्विलिब्रियम पे अब यहां पे क्या होने वाला है रेट ऑफ दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ठीक है और जो इधर क्वांटिटी हमारी या स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट ओके क्लियर हो गया सो ये हमारे प्रोसेसेस हैं अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या हैं
Write down general characteristics of physical equilibrium. First characteristic of physical equilibrium is the measurable properties of a system become constant. ये हमने किया था. Measurable properties of the system become constant. तो हमने देखा कि state variables किसी में temperature constant हो रहा है, किसी में pressure constant हो रहा है, किसी में concentration constant हो रही है. तो कोई ना कोई एक state variable जरूर constant होता है. ठीक है? Then number two, second जो इसका characteristic है, equilibrium can only be established in a closed system. अगर system closed नहीं होगा तो vapor तो उड़ जाएगा, फिर वो vapor कैसे वापस cool होता है? नहीं हो सकता ना. अगर vapor atmosphere में चला गया तो हम reverse reaction उसकी नहीं कर सकते. तो इस करके ये एक बहुत important point है कि equilibrium के लिए हमें चाय के cup को ढक के ही रखना पड़ेगा, so that there is no exchange of matter from the system to the surroundings. ठीक है? Then third, at equilibrium, both the opposing forces are equal. Opposing forces are equal. हमने कह रहा सब में rate of melting is equal to rate of freezing, rate of evaporation is equal to rate of condensation, rate of dissolution is equal to rate of crystallization and rate of evaporation is equal to rate of solidification. तो हर एक चीज में opposing जो दोनों forces हैं वो दोनों equal होने चाहिए. तो ऐसे equilibrium को हम क्या बुलाते हैं? It is known as डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्या बुला रहे हैं उसको हम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग. देखने में हमें लगता है कि रिएक्शन जो है वो खत्म हो चुकी, क्योंकि जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, जैसे एक पानी का हमने कप लिया है और वो इवेपोरेट हो रहा है, हमने ढक दिया है. ठीक है? सो जब हम उसमें स्लो फ्लेम पे उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो हम देखते हैं कि वो बॉयल हो रहा है, फिर वो वापस आ रहा है. तो देखने में वाटर लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. तो देखने में हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट इट इज मूविंग. फॉरवर्ड रिएक्शन मूव हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन मूव हो रही है, दोनों रिएक्शंस इक्वल है. तो सिर्फ हमें देखने में ही लगता है कि जो रिएक्शन है दैट इज स्टॉप्ड. ठीक है? देन फोर्थ पॉइंट, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड the concentrations of substances involved, concentration of involved become a constant. ठीक है? Then number five, the magnitude of constant value, that is equilibrium.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम डिराइव करेंगे आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन मतलब कि एक मेजरेबल हम लोग कोई भी एक मेजर प्रॉपर्टी लेते हैं जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बुलाते हैं जिसे हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट उसमें टॉपिक में तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें बताता है कि रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है या प्रोडक्ट्स कितने बने हैं और कितनी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कि अगर के की वैल्यू ज्यादा आएगी तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा अगर के की वैल्यू कम आती है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस ठीक है इज इट क्लियर सो दिस इज व्हाट योर फिजिकल इक्विलिब्रियम इज तो सम अप कर सकते हैं हम इसको एक टेबल के थ्रू लेट सम अप द इक्विलिब्रियम सॉरी फिजिकल इक्विलिब्रियम देखो ये सब हमने पढ़ा है प्रोसेस फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज लिक्विड टू वेपर ओके चलो सॉलिड टू लिक्विड राइट सॉलिड टू लिक्विड में हमने क्या पढ़ा था प्रेशर कांस्टेंट है यही पढ़ा हमने और इस कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे हम क्या बुला रहे हैं इट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट एंड वी आर ऑल्सो सेइंग दैट इन सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ मेल्टिंग दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग एट इक्विलिब्रियम सेकेंड लिक्विड टू गैस कौन सी क्वांटिटी इज द कॉन्स्टेंट आएगी टेम्परेचर और ये जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है इसे हम क्या बुलाते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन थर्ड प्रोसेस को क्या बुला रहे हैं सब्लिमेशन ठीक है और कांस्टेंट यहां पे क्या आएगा टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट और इसमें कोई ऐसा हमने टेम्परेचर रखा है एनी टेम्परेचर जैसे हम वहां पे मेल्टिंग पॉइंट रख रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट रख रहे हैं तो सब्लिमेशन में कोई भी ऐसे टेम्परेचर को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं तो सब्लिमेशन कैन टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस जैसे आप नेफ्थलीन बॉल्स रखते हो तो नेफ्थलीन बॉल्स किसी भी टेम्परेचर का मोहताज नहीं है ना वो कभी भी इवेपोरेट होता है गैसियस स्टेट में सो यहां पे हम लोग एट एनी टेम्परेचर सो वी आर नॉट मेंशनिंग एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ओवर हियर ठीक है देन फोर्थ फोर्थ क्या था dissolution process that is solute in solid ठीक है gaseous नहीं sorry aqueous in aqueous अब यहां पे क्या चीज constant होने वाली है concentration again यहाँ पे भी कोई भी हम टेम्परेचर नहीं बताते हैं वी डू नॉट टेल कि मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है डिसोल्यूशन कैन अगेन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर और इसमें हम क्या बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ठीक है द नेक्स्ट वी गो ऑन टू इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग केमिकल सिस्टम्स नाउ
equilibria involving chemical systems. In chemical systems, we are going to consider special kind of reactions. Which are known as reversible reactions. Kya hoti hai reversible reactions? Jisko hum double arrow ke saath represent karte hain. Jisme reaction forward direction mein bhi ja sakti hai aur state variables ko change karke reverse direction mein bhi ja sakti hai. So this is what a reversible reaction is. Theek hai? Usi tarah se this is also a reversible reaction. Okay? Usi tarah se ये भी एक reverse reaction है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हम लोग reaction करते हैं, तो reaction हमेशा reversible होनी चाहिए. और chemical equilibrium को हम graphically represent करते हैं by two graphs. ठीक है? First graph हम draw करेंगे. Rate of reaction and time. Now here we are going to say that this graph represents the process rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ठीक है? So backward reaction को हम इस तरह से represent कर लेते हैं. Forward reaction को हम इस तरह से represent कर रहे हैं. So, ये वाला जो point आया, when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, इसे हम बुलाते हैं equilibrium. ठीक है? उसी तरह से हम graphically show कर सकते हैं that concentration of reactants is equal to concentration of products. ठीक है? So graph draw करेंगे हम. जो reactants की concentration होती है, वो time के साथ घटती चली जाती है. कम होती रहेगी ना reactants की. और products की जो concentration है, वो time के साथ बढ़ती चली जाती है. So concentration of the reactants ऐसे show कर सकते हैं हम, right? क्योंकि concentration reactants की कम होती चली जाएगी. और products की concentration increase होती रहती है. Okay? Now, when the concentration of both becomes equal, this is the point of equilibrium. ये वाला पॉइंट तो जॉइन कर दिया ना वो सेम तो सेम कंसंट्रेशन कहाँ पे रहेगी इसकी टाइम जिस पे सेम कंसंट्रेशन है सेम कंसंट्रेशन जब हम लोग बोल रहे हैं जॉइन तो यहाँ जरूर करेंगे पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि जब ये देखो यहाँ देखो ये कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होती जाएगी ठीक है
और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होती रहेगी. अब रिएक्टेंट्स की तो डिक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. यहाँ पे जब आप इस वाले पॉइंट पे जाते हो तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ये आ रही है ना. दिस इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन इज कमिंग. सो व्हेन वी आर सेइंग कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमारी सेम आनी चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, पर टाइम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बुलाते हैं. ओके, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की जो है सॉरी प्रोडक्ट्स की जो है वो मैक्सिमम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की जो है वो मिनिमम हो गई. तो जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मिनिमम होगी तभी प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अटेन हो सकती है, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम दैट इज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आ जाइए.